तहसील चुराह के अंतर्गत प्राचीन चांजू माता मंदिर में चैत्र मास के नवरात्रों के शुभ अवसर पर कॉस्मो कंपनी के कर्मचारियों द्वारा की गई कार सेवा का आयोजन किया गया। इस दौरान कर्मचारियों द्वारा चांजू माता मंदिर प्रांगण के साफ सफाई एवं रखरखाव का काम किया गया। कॉस्मो कंपनी के पदाधिकारी मुकेश पटियाल ने जानकारी देते हुए बताया कि कॉस्मो कंपनी तहे दिल से सभी का धन्यवाद करती है जिन्होंने कॉस्मो कंपनी द्वारा बनाए गए चांजू एवं काम के अंतिम चरण में पहुंचे चरणा प्रोजेक्ट के लिए स्थानीय लोगों का सहयोग एवं चांजू माता का पूरा आशीर्वाद रहा। जी सर, आप मंदिर में कैसे? यहाँ सर नमस्कार, जय माता दी। सभी भक्तों को नवरात्रों की शुभकामनाएं। मैं मुकेश पटियाल, डीजीएम कॉस्मोस कंपनी चांदीपुर, 20 मेगावाट। हम लोग यह 2017 में हम लोगों ने जो है कॉस्मोस कंपनी चांदीपुर का जो प्रोजेक्ट है वो चालू किया था, तो बीच में हम लोगों को बहुत सारी बाधाएं भी आई, लेकिन स्थानीय लोगों का बहुत सारा उसमें सहयोग रहा, स्थानीय विधायक का सहयोग रहा, स्थानीय कर्मचारी जो भी हम लोगों से संबंधित जो भी विभाग थे उन सबका बहुत बहुत सहयोग रहा है हमारी परियोजना को सिरे चढ़ाने में, और हम लोग जो है उन सबका दिल से आभारी हैं। कॉस्मोस कंपनी सबका दिल से धन्यवाद करती है। और हम लोगों ने चांजू वन का जो है वो एक फेज से चांजू नाला से हम लोगों ने परियोजना को कमीशन कर दिया है लास्ट ईयर, और अभी हमारा मात्र 2-3 महीने का जो चढ़ा का जो काम है वो 2-3 महीने का बचता है, तो वो भी माता रानी की कृपा से जो है वो काम सुचारू रूप से चला है, स्थानीय लोगों का बराबर सहयोग मिल रहा है। और आज हम लोग नवरात्रों के उपलक्ष्य में मैं और मेरे साथ कुछ हमारे स्थानीय जो कर्मचारी कॉस्मोस के हैं उन्होंने सेवा भाव को मानते हुए जो है यहाँ चांजू मंदिर में कुछ रिपेयर मेंटेनेंस का काम करने का जो है वो हमने जुटाई है, तो मैं जो है वो इसके लिए सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ। मेरे कॉस्मोस कंपनी के जो भी सेवादार हैं उनकी तरफ से जो है वो मैं आप स्थानीय लोगों का धन्यवाद करता हूँ। माता रानी सबको शिक्षा के बच्चे और हमारे ऊपर जो है वो आशीर्वाद बनाए रखें। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए तीसा से दिलीप सिंह ठाकुर की रिपोर्ट।